5 में एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है अगर, तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल रहे होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक। अगर ये 26 है तो ये भी 26 रहा होगा, ठीक। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालता हूँ तो इसमें जो मैं साइड लूँगा वो लूँगा 28, 26 एंड हिरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। जब मैं इसका निकालूंगा तब भी 26, 28 एंड, तो मुझे कैलकुलेशन दो बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो किसका आंसर निकल जाएगा, ए बी सी डी का, ठीक है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं ट्रायंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं, ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में तीन क्वांटिटी हैं हमारे पास, ए है 28, बी है 26 सेंटीमीटर एंड सी कितना है 30, ठीक है। सबसे पहले एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए कितना 28, बी 26 एंड सी 30 एंड डिवाइडेड बाय 2, 84 अपॉन 2, 42 सेंटीमीटर। यह आपने एस की वैल्यू निकाल ली इस ट्रायंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया के लिए सबसे पहले लिख रहा हूँ फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, एस की वैल्यू है हमारे पास 42, एस 42 माइनस ए, ए कितना 28, फिर से एस 42 माइनस बी, बी कितना 26 एंड 42 माइनस सी, सी कितना 30, ये ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 42 तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16, ठीक है, 12, 16 एंड 14 और 42, 42 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के, ठीक है ये आ गए। अब इसके बाद 2 और ये 2 मिलकर 2, ये 3 और ये 3 मिलकर एक 3 बाहर आ गया, ये 7 और 7 मिलकर 7 बाहर आ गया, ठीक है। ये इन दोनों में से एक 2 बाहर, यहाँ से एक पेयर 2, यहाँ से एक और पेयर 2, कितने सारे डिजिट आ जाएंगे, 2, 3, 7 और 2, 2, 2, 8, ठीक है ना, 3, 3, 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है वो इतना पार्ट का आया है, इतने पार्ट का, ठीक है। अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये भी सेम आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर साइड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम या तो ये ऐसे करके लिख सकते हैं कि एरिया, एरिया कौन सा वाला पार्ट, ए सी डी, ये भी ऑल्सो कितना रहा होगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर इसके बाद एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालोगे, 336 प्लस 336 कितना, 672 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप डायरेक्ट इनटू 2 कर सकते हैं, या इस तरह से लिख देंगे कि इसका एरिया इतना आया है तो सिमिलरली इसका एरिया भी इतना ही आया होगा, फिर दोनों को ऐड करा देंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 26, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 रहा होगा, ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर रहा होगा। सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, पहले इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं,
ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए मेरे पास ए है, बी है और सी भी है, ये ए बी सी। अब सबसे पहले एस निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए है 14, बी है 10, सी है 16 अपॉन टू। 40 अपॉन टू कितना? 20 सेंटीमीटर। एस निकालने के बाद अब आप निकालिए ए। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस, एस की वैल्यू कितनी है? 20। 20 माइनस ए, ए कितना है? 14। फिर से 20 माइनस बी 10, 20 माइनस सी यानी 16, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 20 आएगा इंटू 6 इंटू 10 इंटू 4। इसके प्राइम फैक्टर कराइए, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2। ठीक, प्राइम फैक्टर करा लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पेयर बनाना। तो यहाँ से 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अच्छा इस 5 और इस 5 में से एक 5 बाहर, इस 2 और इस 2 में से एक 2 बाहर, और इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? रूट 3। तो 40 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू 1.73, ये आ जाएगी 1.73 इंटू 40, 69.2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इस पार्ट का एरिया आया, जितना एरिया इसका आ रहा है उतना ही एरिया इसका आ रहा होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए सी डी का एरिया, सिमिलरली करके, सिमिलरली एरिया ए सी डी कितना आया होगा? इतना ही आया होगा, 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब फाइनल एरिया ए बी सी डी कितना होगा? तो एरिया ए बी सी डी 69.2 प्लस 69.2 कितना? 138.4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो जब आपके पास एक एरिया आ जाएगा उसके बाद सिमिलरली करके लिखोगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ऑलवेज। ठीक है, ये था 26। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 27। 27 में ये एक आपको फिगर गिवन है ए बी सी डी। इस ए बी सी डी फिगर में यहाँ पर एक हाइट गिराई हुई है ये, और बेस क्या है इसका? बी डी। यहाँ पर एक हाइट डाली हुई है और इसका बेस भी क्या है? बी डी। ठीक, हमें एरिया निकालना है ए बी सी डी का। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, ठीक, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और फिर दोनों एरिया ऐड कर दें। तो सबसे पहले बी सी डी का एरिया निकालिए, एरिया बी सी डी कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे। ठीक है, बेस क्या लेकर चलेंगे? बी डी, और हाइट इस पर क्या है? सी एम। इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है? सी एम, और बेस क्या है? बी डी। तो 1/2, बी डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 64, और सी एम कितना है? 13.2। ठीक है, ये 32.4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका। अब इसका निकाल लेते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया ए बी डी, एरिया ए बी डी कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही। ठीक है, बेस इस ट्रायंगल के लिए क्या लोगे? बी डी, और हाइट क्या लोगे? 16.8, मतलब ये क्या है? ए एल है। हाइट इस केस में क्या है? ए एल। तो बी डी की वैल्यू है 64 और ए एल की वैल्यू कितनी है? 16.8। तो 2 से इसको कैंसिल किया,
537.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एरिया आ गया था हाफ बेस इनटू हाइट करके, ये एक एरिया आ गया हाफ बेस इनटू हाइट करके। अब इन दोनों एरिया को ऐड करा देता हूँ तो कौन सा एरिया निकल जाएगा, एरिया ए बी सी डी। एरिया ए बी सी डी इक्वल होगा इस एरिया के 422.4 प्लस 537.6 कितना 960 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर है 28। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम की बात करनी है, ये मैंने आपके सामने एक ट्रेपीजियम बना दिया ए बी सी डी। इस ट्रेपीजियम का एरिया हमें गिवन है कितना 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, पैरेलल साइड्स का रिलेशन दिया हुआ है आपस में कि अगर एक साइड सपोज करिए x है, स्मॉल ये वाली साइड मैंने क्या मानी x, तो उसने जो दूसरी पैरेलल साइड है वो कह रहा है कितनी ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है उससे, तो दूसरी वाली साइड हो गई x प्लस 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो हमें निकालना आता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड पैरेलल साइड्स इनटू में क्या हाइट, इक्वल टू में क्या चल रहा है 475 चल रहा है। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, एक तो ये है पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो एक तो पैरेलल साइड है हमारे पास एक्स प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है एक्स प्लस। ये उसने क्वेश्चन में दिया था कि दो पैरेलल साइड में से एक साइड दूसरी वाली साइड से कितना मोर है 4। ठीक है, और इनटू में क्या चलेगा हाइट, हाइट कितनी है 19, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 475। ठीक, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है ये 2 इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाइए, और ये जो 19 है ये इधर मल्टीप्लाई में, ये कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, इधर x और x मिलकर कितना 2x और प्लस में क्या चल रहा होगा 4। ठीक है, 19 से इसको डिवाइड करिए 475 को, कितना आएगा 25 इंटू 2 कितना 50, इधर 2x ये 4 उधर गया होगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 46 अपॉन में क्या, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 23। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 23 सेंटीमीटर, ये वाली साइड निकल गई। ठीक, अब जो दूसरी वाली साइड थी वो कितनी थी x प्लस 4, तो x की वैल्यू 23 प्लस 4 कितना 27 सेंटीमीटर। ये दो साइड आ गई। फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, ओके बस यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये x आ गया हमारे पास और x प्लस 4 ये दूसरी साइड थी, ये भी निकल गई। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB 7.5 है, AC 6.5 है और BC 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है D, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है DL, उस DL को हम जानना चाहते हैं वो कितना होगा, जबकि BCED एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की, बाकी और क्वेश्चन हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में मुझे तीन साइड पता हैं, एक 7.5 है, दूसरी एक साइड और पता है मुझे 6.5, और तीसरी साइड भी मैं जानता हूँ 7, इतना इतना सेंटीमीटर। ठीक, तीनों साइड पता है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना 7.5 प्लस बी 6.5 प्लस सी 7 अपॉन में कितना 2।
7.5 प्लस 6.5 प्लस 7 कितना? 21 अपॉन 2 कितना? 10.5 इतना सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस, एस की वैल्यू कितनी आई है? 10.5। फिर से 10.5 माइनस ए, ए कितना है? 7.5, 7.5 लिख लिया। इसके बाद 10.5 माइनस बी, बी कितना है? 6.5। और इसके बाद 10.5 माइनस सी, सी कितना है? 7। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से क्या करना है। 10.5 ऐसे ही ठीक है, 10.5 माइनस 7.5 3, 10.5 माइनस 6.5 4, 10.5 माइनस 7 3.5, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इन दोनों 10 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इन दोनों 10 का पेयर बना, ये बाहर आ गया। अब अंदर हमारे पास क्या रह गया? 105 रह गया, 3 रह गया, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 35 को, 5 इंटू 7 105 के भी फैक्टर करा लीजिए, कितना आया होगा? 2 से ये किया होगा 5, नहीं 3 से किया होगा हमने, 3 से किया गया होगा तो ये आ रहा होगा 3, 7 और 5। ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 पेयर बनाइए, 2 का पेयर, 5 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर, ये सब कुछ बाहर आ गया। ठीक है, सब कुछ बाहर लिख लिया हमने। 2 5 जा 10 कैंसिल, कितना बचा? 21. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी और ये डीबीसीई, ये जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों के एरिया आपस में कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीबीसीई क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है एरिया किसके? एबीसी के। एरिया एबीसी कितना आया? किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस, ये बेस है बीसी, इस पैरेललोग्राम का बेस क्या लेंगे? बीसी। और हाइट क्या लेंगे? डीएल। बीसी इंटू हाइट डीएल इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? बीसी कितना? 7 इंटू डीएल, तो डीएल इक्वल्स टू कितना? 21 अपॉन 7, ये 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में जब उसने फिगर पहले से गिवन है और फिगर में उसने ये बोला है कि ये ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया अगर इक्वल है तो ये हाइट निकाल के बताइए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ हेरोंस फॉर्मूला। ठीक, हेरोंस फॉर्मूला की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब उस ट्रायंगल के एरिया को किसके इक्वल रख दिया हमने? पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल, ये। ठीक, फिर वहां से हमें बेस तो पहले से पता ही था 7, उससे क्या निकल गई? हाइट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हैविंग पैरेलल साइड 90 मीटर एंड 30 मीटर। ओके, एक 90 मीटर है और एक 30 मीटर, दो पैरेलल साइड है। एंड दिस साइड मीट द थर्ड साइड एट राइट एंगल, ये दोनों साइड जो थर्ड साइड है उससे कहाँ पर मिलती हैं? राइट एंगल पर। ठीक है, द लेंथ ऑफ फोर्थ साइड इज 100 मीटर, फोर्थ जो है वो कितना है? 100 मीटर।
ठीक है, कॉस्ट बतानी है तो कॉस्ट के लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया निकाल लेते हैं। देखिए इसका कुछ नाम रख दीजिए, ए बी सी डी, ये नाम रख दिया। अब ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में उनके बीच की हाइट। हाइट हमें अभी नहीं पता है, तो सबसे पहली चीज़ हम यही करेंगे कि यहाँ से हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक। उसका कुछ नाम रख दिया, सपोज पर ये ई, ओके। अब ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30। टोटल कितना था, 90 में से 30 हटा दो, ये कितना बचेगा, ठीक। ये 60 मीटर आ गया, ये 100 है या 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाला जा सकता है। अगर ये निकल जाएगा तो समझ लो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ भी तो 90 बनाया है आपने, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कॉस किस में, ट्राइंगल सी बी ई में। ट्राइंगल सी बी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बी सी यानी कि 100 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 60 का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 माइनस 3,600 कराइए, 6,400 स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाइए इधर, 80 कितना मीटर, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। सी कितना आ गया, ठीक। ये समझ में आ गया आप तक कैसे कैसे किया। अब इसके बाद इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक तो 90 थी, एक तो ए बी है। पहले मैं लिखता हूँ पैरेलल साइड इस ट्रेपीजियम की क्या क्या हैं, ए बी है और सी डी है, और उनके बीच की हाइट क्या है, ए डी, ए डी लिख सकते हैं। अच्छा 1/2, ए बी कितना है, 90, तो यहाँ पर लिख लेंगे 90। सी डी कितना है, 30 इंटू ए डी, ए डी किसके इक्वल है, ई सी के, है ना, कितना 80, 2 से ये कैंसिल करा दो, 40, ये 120 इंटू 40 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया इस ट्रेपीजियम का। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालें, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹5, तो 4800 की कितनी होगी, 4800 इंटू 5 24,000, इतना रुपीज कॉस्ट रही होगी, ठीक। तो कैसे किया, ये हमें दे रखा था 90, यहाँ से यहाँ तक ये 90 था, ये 30 था, ठीक, और इन दोनों साइड के बीच में 90 दे रखा है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब यहाँ 90 है, ठीक। तो ये क्या बन गया होगा, एक पैरेललोग्राम बन गया होगा। ये साइड तो पहले से पैरेलल थी, और ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है, यानी कि ये और ये लाइन भी कैसी रही होंगी, पैरेलल। अगर यहाँ 90 और यहाँ भी 90, इस बात का मतलब क्या है, ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल, ठीक। अच्छा ये पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो गया, प्रूफ कैसे हुआ पैरेललोग्राम में, ये अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30, अब 90 में से 30 हटा दिया तो ये कितना रह गया, 60, ये हमें पहले से दे रखा था। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस ट्रायंगल से क्या निकल गया, 80। अगर ये 80 है तो ये भी, उसके बाद ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, वहाँ से एरिया आ गया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है ये 30। इसके बाद मीटर में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मीटर कर लीजिए। 31,
A rectangular plot is given for constructing a house having a measurement of 40 meter long and 15 meter in front. Okay. ये 40 मीटर और 15 मीटर 40 मीटर 15 मीटर इस तरह का कुछ सिस्टम है। ये कोई एक हाउस है जिसका हमें लेंथ दे रखा है 40 और फ्रंट साइड कितनी है 15 मीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ अ मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड स्पेस शुड बी लेफ्ट इन फ्रंट एंड बैक। 3 मीटर आपको स्पेस छोड़ना है फ्रंट में भी और बैक में भी, ठीक है। तो अगर मैं बैक साइड में अगर कितना छोड़ दूं 3 मीटर और फ्रंट में भी कितना छोड़ दूं 3 मीटर, तो 40 में से कितना माइनस हो गया 3 पीछे चला गया 3 आगे निकल गया, तो अंदर जो रह गया ये पार्ट कितना रह गया 34 मीटर, है ना। ओके आगे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है एंड बैक एंड 2 मीटर वाइड स्पेस ऑन ईच ऑफ द अदर साइड। आपको 2 मीटर इधर से छोड़ना है ये और 2 मीटर इधर से भी छोड़ना है साइड से, तो ये टोटल कितना था 15 15 में से 2 इधर छोड़ दिया 2 इधर छोड़ दिया तो कितना रह गया 11 रह गया। 15 में से 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा तो बीच वाला पार्ट रह गया 11 मीटर। ये बात आ गई समझ में। पहले पूरी लेंथ बताइए कितनी थी 40 मीटर है, 40 में से 3 मीटर पीछे छोड़ दिया और 3 मीटर फ्रंट में छोड़ दिया, तो यहाँ पर बीच में कितना पार्ट रह गया होगा घर के लिए 34, ठीक। अब ऐसे ही इसका सोचो विड्थ का, पहले विड्थ इतनी थी फ्रंट इतना था 15, 2 मीटर इधर छोड़ना था 2 मीटर इधर छोड़ दिया, तो 15 में से 2 मीटर और 2 मीटर कितना 4 मीटर निकल गया, तो कितना रह गया। अब इसका एरिया जो बचा वो हमें बताना है कि कितना एरिया बचा होगा घर के लिए, तो आंसर है एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू, अब लेंथ कितनी बची है घर के लिए 34 और विड्थ कितनी है फ्रंट कितना बचा हुआ है घर के लिए 11 374 इतना मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है।